SQL ट्रेनिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। मतलब जब भी आप रियल टाइम में काम करेंगे तो आपको एनी अनएक्सपेक्टेड एरर को कैसे हैंडल करते हैं, कोई भी एरर आता है तो डेटा को रोल बैक कैसे करते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो स्टार्टिंग के वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस किए थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे कमिट एंड रोल बैक होता है, जो बेसिकली यदि आपको कोई भी डेटा को कमिट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कमिट होता है, बट आपको रोल बैक करना है तो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को लिखेगा। बट सपोज इफ़ एनी अनएक्सपेक्टेड एरर आता है जिसका आप डेटा अपडेट करते हैं, तो आप कैसे उसको ऑटोमेट रोल बैक करेंगे ट्रांजैक्शन को। तो ये डिटेल में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। तो चलिए जंप करते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और देखते हैं कि एरर हैंडलिंग को कैसे काम करते हैं। तो सपोज रिक्वायरमेंट क्या है कि यदि आपके पास एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है डीम कस्टमर टेबल, और डीम कस्टमर टेबल में क्या है कि 18,000 ऑफ रिकॉर्ड है। ओके, सो 18,000 रिकॉर्ड में इसको कुछ सैलरी को या ईयरली इनकम को अपडेट कर रहा हूँ, जो कि मैं लास्ट सेशन में भी देखे थे कि हम लोग जिसका चिल्ड्रेन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा स्टोर प्रोसीजर में, तो उसको अपडेट करना है एज ए डबल। बट सपोज आफ्टर दी 5,000 रिकॉर्ड अपडेट के बाद कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, ओके कोई एरर आ गया, तो 5,000 रिकॉर्ड अपडेट हो गया और 30,000 रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो डेटा क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा, और आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डेटा अपडेट हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल ये डेटा अपडेट हुआ क्या नहीं, ये डेटा अपडेट हुआ क्या नहीं। तो इसके इन केस में हम लोग का एक एसिड प्रॉपर्टी भी होता है जो बेसिकली हर एक डेटाबेस फॉलो करता है, जो हम इन फ्यूचर कमिंग सेशन में हम लोग एसिड प्रॉपर्टी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी आपको हम बताएंगे। तो बेसिकली वो जितने भी डेटा अपडेट हुआ है वो डेटा को आपको रोल बैक करना, रोल बैक इन द सेंस आपको जो भी प्रीवियस स्टेट में था वही स्टेट में लाना है। तो आप जब भी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप मैनुअली तो इसको कर नहीं सकते, तो उसको आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी एरर आता है तो आपको ये रोल बैक होना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये होता है, बट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए हम लोग का दो पार्ट होता है, एक बिगिन ट्राई होता है और बिगिन कैच होता है। तो बिगिन ट्राई और इन ट्राई में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो भी कोड लिखे हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पार्ट को आपको बिगिन ट्राई के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे कि आप अपडेट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप डिलीट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो आपको बिगिन ट्राई के अंदर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो SQL इंजन ऑटोमेटिकली इसको कैच में फॉरवर्ड कर देता है। ओके, तो अब जब कैच में फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर को हैंडल करना है, तो इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग या ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जो भी बोल सकते हैं आप। तो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बेसिकली बिगिन ट्राई बिगिन कैच। तो यहाँ पे जब भी आप रोल बैक ट्रांजैक्शन का लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बोल रहे हैं, और जब बिगिन ट्राई एंड बिगिन कैच को का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो चलिए एक रियल टाइम सिनेरियो हम लोग देखते हैं इसको इंप्लीमेंट करके। तो मैं एग्जांपल लिया हूँ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, कि हम लोग कोई भी इनपुट पैरामीटर ये हैंडल नल वैल्यू कोई इनवैलिड पैरामीटर को हैंडल कैसे करेंगे। तो वही एग्जांपल को मैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग में भी यहाँ पे लिया हूँ, जो कि आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि इनपुट पैरामीटर जेंडर मस्ट पास अ सिंगल वैल्यू मल्टीपल पास वैल्यू देन प्री वैलिडेट द SP। तो बेसिकली हम डिटेल में रिक्वायरमेंट में डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये एरर हैंडलिंग कैसे काम करेगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। तो बेसिकली जहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं, ओके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी अपडेट हो रहा है
वहाँ पे हम लोग जो हमें अभी हम लोग देखे थे बिगिन ट्राई, तो आपको हमेशा बिगिन ट्राई के अंदर रखना है और बिगिन ट्राई के अंदर आपको बिगिन ट्रांजेक्शन रखना है। ओके, तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होगा और ये यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट है। और उसके बाद जब अपडेट कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो सक्सेसफुली होने के बाद कोई भी एरर नहीं आएगा तो बिगिन कैच में नहीं जाता है। ओके, तो यदि आप यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कमिट ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन ओपन होता है तो आपको आइदर कमिट करना पड़ेगा या रोल बैक करना पड़ेगा। तो आपको कमिट ट्रांजेक्शन करके आप एक प्रिंट मैसेज कर सकते हैं ताकि यूजर को पता चले कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। यदि कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो बेसिकली ये बिगिन ट्राई क्या करेगा, बिगिन कैच पे क्या करेगा, थ्रो कर देगा। तो जैसे ही बिगिन कैच पे आएगा, सबसे पहले आपको इमीडिएटली ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले रोल बैक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। तो जब रोल बैक ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको एरर नंबर यहाँ पे बेसिकली यूज होता है, क्या एरर नंबर है। तो एक हर एक एरर का एक बेसिकली एक नंबर होता है, जो भी जब भी आप एरर नंबर समझ में नहीं आता तो आप उसको गूगल में भी करके एरर नंबर से कंप्लीट डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है एरर सेवेरिटी, उसके बाद होता है एरर स्टेट, और उसके बाद होता है एरर प्रोसीजर। किस प्रोसीजर, सपोज एक लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक प्रोसीजर में मल्टीपल प्रोसीजर कॉल करते हैं, बट एग्जैक्टली किस प्रोसीजर में एरर आया हुआ है वो आपको प्रोसीजर का नाम देगा, और किस लाइन में प्रोसीजर और किस लाइन में एरर आया हुआ है उस लाइन नंबर भी देगा और एग्जैक्टली मैसेज क्या देगा। तो हम लोग मैनुअली यहाँ पे हम लोग एक एरर जनरेट करवा के देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग एस वन को आप डिवाइड करेंगे 0 से तो ये आपको एरर देगा। तो जैसे आप इसको रन करते हैं कोड को, मैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को रिक्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है वहाँ तक मैं क्रिएट करता हूँ। मैं स्टोर प्रोसीजर का लॉजिक मैं डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ओके, रन कर रहे हैं स्टोर प्रोसीजर को। तो आप यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को अब जब एग्जीक्यूट करेंगे अपडेट जनरेट बाय एम, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज में यहाँ पे आपको बेसिकली ये मैनुअली हम लोग एरर जनरेट करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एरर नंबर है 8134, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो एरर सर्विटी 16 है और एरर स्टेट 1 है। ये एरर प्रोसीजर क्या है, अपडेट बाय जेंडर। आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर का नाम हम लोग का क्या है, एरर बाय जेंडर, अपडेट बाय जेंडर। ओके, तो अपडेट बाय जेंडर किस लाइन में आप यहाँ पे प्रोसीजर आ रहा है, तो ये आप यहाँ से 13 लाइन से काउंट करेंगे जहाँ से प्रोसीजर क्रिएट हो रहा है, जहाँ से प्रोसीजर क्रिएट क्रिएट स्टेटमेंट से काउंट करेंगे। तो बेसिकली ये काउंट जो करेगा वो 17 लाइन से क्रिएट काउंट करेगा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर जनरेट कर रहे हैं 54। तो ये बेसिकली लाइन नंबर देता है और ये बेसिकली आपको डिटेल में देगा कि एरर मैसेज क्या है, डिवाइडेड बाय 0 इन काउंटर। ओके, आप ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप ये एरर नंबर को कॉपी कीजिए। ओके, और आप कहीं पे भी गूगल में जाइए और ये गूगल में भी आप यहाँ पे एरर नंबर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाके एरर नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, एरर नंबर 8134 इन द सीक्वल सर्वर। तो ये आपको डिटेल में बताएगा सीक्वल सर्वर का क्या एरर, मेरे लाइन 1 डिवाइडेड बाय 0 एरर इनकाउंटर। तो ये रिलेटेड टू 0 इनकाउंटर है। तो यदि कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो आप एरर नंबर को कॉपी करके आप गूगल में सर्च करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी एरर को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे हम लोग एरर हैंडल करते हैं। तो ये एरर आ गया तो ये आपको ये बेसिकली जंप कर देगा ट्रांजेक्शन के दूसरे विंडो में, जो बिगिन कैच होता है, जो यहाँ पे डेफिनेटली रोल बैक हो जाता है। तो
आपको मेन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब भी आप DML ऑपरेशन यूज करेंगे रियल टाइम में, तो आपको ऑलवेज DML ऑपरेशन इन द मेंस, जब भी आप डेटा को इंसर्ट करेंगे, जब भी डेटा को अपडेट करेंगे, जब भी डेटा को आप डिलीट करते हैं, तो आपको ऑलवेज बिगिन ट्राई और बिगिन ट्रांजेक्शन के अंदर आपको हमेशा आपको रखना पड़ेगा, ताकि रियल टाइम में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एरर आता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एरर को आपको इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।